हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्टर लर्निंग। आज हम बात करेंगे एक क्लास सेवेंथ की फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। इसका एक फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो इसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस चैप्टर के, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सारे टर्म्स आपको एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे से आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिएगा, इससे पहले कि आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि आप अगर चाहते हैं कि मैं जो आपके स्कूल में बुक चल रही है मैं उसी से पढ़ाऊँ, उसी का सारा एक्सप्लेनेशन दूँ आपको, तो आप कमेंट करिएगा, आप बोलिएगा कि सर मेरे यहाँ ये वाली बुक चल रही है, आप प्लीज़ इससे पढ़ाइएगा। तो मैं एक बार कोशिश करूँगा सारी की सारी चीज़ें उसी बुक से अपलोड करूँ और उसी बुक से ही आपको पढ़ाऊँगा। तो आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो मैं जो सीरीज चल रही है, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स की सीरीज चल रही है, मैं उसी को फर्दर उसी के वीडियो कंटिन्यू अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा अगर आप चाहते हैं। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशंस हैं आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें, कोई भी वीडियो आपसे स्किप ना हो। और पूरा का पूरा जो सीरीज है, सारा जो सिलेबस है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। साथ में और भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, जो और इम्पोर्टेंट जो आपके टॉपिक्स होंगे उनके वीडियो भी अपलोड करूंगा। तो आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करिएगा। और पूरी की पूरी सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, कोई भी आपको पैसा नहीं देना है। आप जैसे कोचिंग में जाते हैं, आप ट्यूशंस में जाते हैं, आप पैसा वहाँ देते हैं, पैसा पे करते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। आपको क्या करना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। आपका लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना आपकी तरफ से मेरे लिए एक बहुत बड़ा, ये समझ लीजिए कि गुरु दक्षिणा होगा। ठीक है, तो आप लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं, फर्स्ट जो टर्म है एरिया की बात करते हैं। तो एरिया क्या होता है कि आप बात करेंगे, कोई भी आपका फिगर है, जैसे कि टू डायमेंशनल फिगर है आपका, क्या है, टू डायमेंशनल फिगर है। टू डायमेंशनल मतलब क्या है, एक्स और वाई एक्सिस में है। तो टू डायमेंशनल जैसे कि ये बना दिया मैंने, क्या है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है। तो रेक्टेंगल क्या है, टू डायमेंशनल है, मींस एक्स एक्सिस ए हो गया और वाई एक्सिस ए हो गया। तो टू डायमेंशनल जो फिगर है उसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर जितना हमारा सरफेस है, जो हमारा सरफेस है वो इनक्लोज्ड है, जितना सरफेस इनक्लोज्ड रहता है उसको क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। मींस टू डायमेंशनल फिगर है, उसकी बाउंड्री से, उसकी बाउंड्री के अंदर जितना हमारा सरफेस इनक्लोज्ड रहता है उसको क्या बोलते हैं, एरिया। क्या बोलते हैं, एरिया। जैसे कि रेक्टेंगल दे रखा है, मान लो इसकी जो लेंथ है क्या है, एल, और ब्रेथ क्या है, बी है। तो आप अगर एरिया फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, एल इंटू बी, कैसे फाइंड करेंगे, एल इंटू बी, इस तरह से फाइंड करेंगे। तो एल इंटू बी फाइंड कर लेंगे आप, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की, किसकी, एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, और ब्रेथ की क्या होती है, मीटर, इसकी भी मीटर होती है। तो मीटर मीटर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगी, इसकी मीटर स्क्वायर, क्या आएगी, मीटर स्क्वायर। तो जो एसआई यूनिट होती है एरिया, क्या होती है, मीटर स्क्वायर। आपको यूनिट भी याद रखनी है क्योंकि यूनिट से ही आप बता सकते हो कि क्या एरिया दे रखा है या क्या दे रखा है, उसको आप क्लियरली समझ सकते हैं। तो ये जो एरिया है इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम आपका क्या है, थ्री डायमेंशनल कोई ऑब्जेक्ट है, थ्री डायमेंशन में रहता है। तो थ्री डायमेंशनल कोई ऑब्जेक्ट है उसने कितना स्पेस, जो अमाउंट ऑफ स्पेस है, ऑक्यूपाइड कर रखा है। जैसे मान लो बात करते हैं क्यूबाइड की, क्या है हमारा क्यूबाइड, इस तरह से थोड़ा सा फिगर ही सही नहीं बनाया, देख लीजिएगा, इस तरह से क्यूबाइड बनाया। तो क्यूबाइड में क्या है, इसकी मान लो जो लेंथ एल है और इसकी ब्रेथ क्या है, बी है, और इसकी जो हाइट है एच है। तो जो थ्री डायमेंशनल जो थ्री डी ऑब्जेक्ट है उसने कितना जो अमाउंट ऑफ स्पेस है वो क्या कर रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है, उसे क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो अगर इसमें आप कुछ फिल करेंगे, मान लो ये बॉक्स है कुछ, में इसमें आपने फिल कर दिया, ठीक है, फिल किया, तो कितना इसने अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अगर आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। तो लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है, अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें वॉल्यूम की, क्या होती है, तो आराम से निकाल सकते हैं, लेंथ की क्या होती है, मीटर, और ब्रेथ की क्या होती है, इसकी भी मीटर होती है, और हाइट की क्या होती है, ये भी मीटर होती है। तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मीटर क्यूब, क्या आएगा, मीटर क्यूब। तो जो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है क्या होती है, मीटर क्यूब। तो इस तरह से जो ऐसा यूनिट है उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होगी, मीटर क्यूब। तो ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है कि कितना मास पर यूनिट वॉल्यूम सब्सटेंस है वो हमारा क्या होगा, डेंसिटी होगी। कि कितना मास है पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या होगा, डेंसिटी होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सॉलिड की, ध्यान समझिएगा, सॉलिड है तो सॉलिड में आप जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं
वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं एज कम्पेयर टू जो हमारा लिक्विड है उसमें थोड़े से एज कम्पेयर टू सॉलिड लूजली पैक्ड रहते हैं, ठीक है, इतने क्लोजली पैक्ड नहीं रहते हैं अगर लिक्विड की बात करते हैं। तो मीन्स अगर सेम एक बॉक्स लिया, सेम साइज का बॉक्स लिया, तो जो सेम साइज का बॉक्स लिया तो अगर इसमें सॉलिड अगर फिल करेंगे, सॉलिड को हम क्या करेंगे पैक करेंगे, तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो इसके बीच का डिस्टेंस होता है क्लोजली पैक्ड रहते हैं, मीन्स डिस्टेंस रहता है काफ़ी कम रहता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें जो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, इसमें लिक्विड में क्या आएंगे कम आएंगे। मीन्स इसका जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम है वो तो क्या है फिक्स्ड है, लेकिन जो मास है, मास क्या हो जाएगा इसका ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है ज़्यादा इसमें क्या आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा आ जाएंगे किसमें, सॉलिड में। तो क्या है, क्योंकि वो क्या है क्लोजली पैक्ड है, क्या है क्लोजली पैक्ड है। इस वजह से हम बात करेंगे कि जो डेंसिटी की बात करेंगे तो किसकी, सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है एंड लिक्विड की उससे कम और गैस की सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सॉलिड, फिर उससे बाद लिक्विड एंड गैस। तो सबसे ज़्यादा सॉलिड की रहती है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड रहते हैं। तो अगर डेंसिटी आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे निकालेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या हो जाएगा डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। क्लियर हुआ? अब देखिएगा अगर बात करते हैं यूनिट की, तो यूनिट कैसे निकालेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो मास की क्या होती है केजी, मास की क्या होती है केजी, वॉल्यूम की क्या होती है मीटर क्यूब, आपने ऊपर देखा था। तो जो डेंसिटी की यूनिट होगी, ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी केजी पर मीटर क्यूब। इस तरह से आप डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस उसने कवर्ड की, कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की पर यूनिट टाइम में, वो क्या हो जाएगी स्पीड। जैसे कि बात करते हैं डिस्टेंस की, तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, एक कोई बॉडी मूव करना स्टार्ट किया, पहले यहाँ से इस वाले पॉइंट से गया यहाँ तक गया, फिर यहाँ पर पहुँच गया, क्या पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पहले ये वाली डिस्टेंस कवर की डी वन है मान लो, ये डी टू डिस्टेंस कवर की, तो ये क्या होगी टोटल डिस्टेंस डी वन प्लस डी टू कवर की। तो ये तो डिस्टेंस हो गई, और कितने टाइम में कवर की वो क्या हो जाएगा पर यूनिट टाइम। तो मान लो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है डी है, तो डी अपॉन एस मीन्स टाइम, ये क्या हो जाएगा टाइम, मीन्स डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम वो क्या हो जाएगा स्पीड हो जाएगा, क्या होगा स्पीड। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की और कितने टाइम में कवर की वो क्या होगी स्पीड होगी। बात करते हैं इसकी यूनिट की, यूनिट कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस क्या होती है मीटर, टाइम की क्या होती है सेकंड, तो यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड, कभी कभी किलोमीटर पर सेकंड में भी दे किलोमीटर पर आवर में भी दे रखी होती है, क्या होगी केजी पर आवर। तो किलोमीटर, सॉरी केजी नहीं, किलोमीटर, माफ कीजिएगा दोबारा लिख देता हूं यहां पर। तो स्पीड की यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड, या क्या होगी, क्या हुई किलोमीटर पर आवर, क्या हुई किलोमीटर पर आवर, दोबारा लिख दे रहा हूं मीटर पर सेकेंड, क्या है मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। इस तरह से जो ऐसा यूनिट है ये इसकी स्पीड की हो जाएगी। तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो कि मीटर वन मीटर, इस तरह से किलोमीटर में चेंज कर सकते हो, वन किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, क्या होगा 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। और आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और 60 × 60 कर दोगे तो सेकंड आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इंटरचेंज कर सकते हो मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर में। क्लियर हुआ? तो ये सब है। अब बात करते हैं अगर स्पीड दे रखा है यहाँ पे वेलोसिटी अगर आ जाता है, तो वेलोसिटी क्या होगी डिस्टेंस की जगह आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। तो क्या डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसको समझिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ये तो था डिस्टेंस, जैसे कि एक जो बॉडी थी मूव कर रही यहां से गई फिर यहां पर पहुंची, तो यहां तक पहुंची है, पहले डिस्टेंस कवर की D1 फिर D2, ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी D1 प्लस D2। अगर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट होता है क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो शॉर्ट डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट पर पहुंचना है, ये डायरेक्ट यहां से भी पहुंच सकती थी। तो ये क्या हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहां से आप निकाल सकते हो अंडर रूट क्या आएगा D1 प्लस D2 का स्क्वायर, यहां से आप निकाल सकते हो उसको, क्या है परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, ये बेस है, इस तरह से हाइपोटेन्यूस की लेंथ निकाल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो वेलोसिटी की बात आती है, क्या आती है वेलोसिटी की बात आती है, तो वेलोसिटी क्या होगी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसकी यूनिट क्या रहेगी सेम रहेगी जैसे कि स्पीड की थी। तो ये सारी चीजें, ये तो थे इंपॉर्टेंट टर्म्स
ये चैप्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको आप याद रखिएगा सारे, और साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगे, कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे, उनका भी मैं वीडियो लाऊंगा। और आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।